गाना गाते वक्त या रियाज करते वक्त नाक में आवाज़ जाती है। नासिका की ध्वनि जो है न चाहते हुए भी या कहें कि अनचाहे रूप में आ रही है, न हमें मालूम चल रहा है और न हमें पता चल रहा है कि कैसे हटाना है। न हमें यही नहीं मालूम चलता है कि हमारी आवाज़ नाक से आ रही है, नासिका की ध्वनि निकल रही है, या फिर अगर मालूम भी चल रहा है, अगर बता भी दिया, मान लीजिए गुरुओं ने बता दिया या किसी ने पॉइंट आउट कर दिया कि नाक से आ रही है तुम्हारी आवाज़, ये खुली हुई नहीं आ रही है, इसमें नेज़ल साउंड आ रहा है जो नहीं आना चाहिए। जैसे अगर मैं छोटा सा फ़र्क समझाऊँ तो ये नॉर्मल साउंड है, और एक ये नासिका का साउंड है। और एक है तो इन दो साउंड्स में क्या फ़र्क हुआ वो मेरे ख्याल से आपको मालूम सुन के चल गया होगा, जैसे ही मैंने पैरेलल दोनों को चलाया। तो ये समस्या दूर कैसे होगी, या ये है ही क्यों, या क्या इसका अच्छा इस्तेमाल भी होता है, ये इस पूरे वीडियो में जानिए। पूरा वीडियो देखिए और नासिका की आवाज़ को समझने की कोशिश हम करेंगे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ आनी भी चाहिए और कहाँ नहीं भी आनी चाहिए, और अगर नहीं हटानी हो इसको तो क्या करना होता है, व्हाट्स द टेक्निक, है ना। पूरा वीडियो देखिएगा। तू भूल न जाना जग से अकेला ही चला, तू भूल न जाना तन पे हरी का चोला, हमारी हिंदी वर्णमाला में कई अक्षर हैं जिसमें हर एक अक्षर का अपना एक उच्चारण स्थान है। वॉवल्स जिसको कहते हैं स्वर, उनको छोड़ दो तो वो सिर्फ होंठों की आकृति से बनते हैं, जैसे कि अ आ ए ई ओ ऊ ए ऐ ओ ओ, लेकिन इसमें ये सब तो होंठों से बने, लेकिन एक आया अंग, इसमें होंठों के अलावा भी कुछ इस्तेमाल हुआ, और अह ये अलग है। तो अंग अगर आप देखेंगे तो इसमें जो इस्तेमाल होता है वो है हमारी जीभ, और जीभ कहाँ टच करती है, अगर उस स्थान को आपने समझ लिया तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अंग, अगर आप ये मेरे साथ बोलिए अंग, तो जब अंग बोलते हैं तो आप देखेंगे आपकी ये ज़बान है अगर, तो जीभ का पिछला हिस्सा, ये जो हिस्सा है आपका ऊपर टच होता है, आपका जिसको टॉन्सिल हम अगर बोलें, वो जो पोर्शन है उस पर टच करता है, और सिर्फ टच नहीं करता, उस पर प्रेशर देता है। जैसे ही उस पर प्रेशर देता है तो हमारी आवाज़ नाक से आती है। अंग अंग अंग, अगर आपने वो जिह्वा को, जीभ को सीधा कर दिया और वहाँ प्रेशर नहीं पड़ा तो नॉर्मल आवाज़ आएगी अ, और यही जीभ अगर ऊपर उठ गई पीछे से अंग अंग, ये मैं वही कर रहा हूँ, ये ज़बान है मेरी सीधी है, इसके पीछे वाला हिस्से को मैं ऊपर प्रेशर दे रहा हूँ अंग अंग अंग, ये गैप जितना ज़्यादा होगा उतना क्लियर साउंड आएगा अ, है ना, अ, या फिर आ, ये साफ साउंड आ रहा है, लेकिन ये मैंने गैप कम कर दिया, ये एकदम बंद कर दिया। खुले मुंह से नासिका की आवाज़ निकालना बहुत मुश्किल है। ये देखिए, मैंने पूरा मुंह इतना लंबा खोला तब भी नासिका लाया, कैसे लाया, वही जीभ को मैंने ऊपर टच किया है। ये उसी जीभ को मैं पीछे से हटा रहा हूँ, अगर नीचे फ्लैट रख दूंगा तो आ आएगा, लेकिन ऊपर अगर टच कर दिया, प्रेशर कर दिया तो अंग आएगा। और यही फिनोमेना होता है जब हमें होता है जुकाम, जब हमें जुकाम हो जाता है तो क्या हो जाता है, वहीं तो सूजन आती है, वो जो सूजन आती है उसकी वजह से क्या है, हम न चाहते हुए हमारी जीभ जो है वो उस पर प्रेशर दे रही होती है, क्योंकि वो सूज गया है, हमने जबान ऊपर नहीं उठाई है, वो नीचे आ गया है जो सूज के फूल गया है।
तो ये प्रोसेस है। आई डोंट नो द साइंटिफिक प्रोसेस बिहाइंड इट, इसका वैज्ञानिक रूप से क्या है या डॉक्टर्स क्या कहते हैं वो मुझे नहीं मालूम। ये अपना मेरा एक्सपीरियंस हुआ, मैं जब क्लास में करा रहा था और खुद कर रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि ये अंग निकल कैसे रहा, ये नाक में जा ही क्यों रही है आवाज़, है ना। एक तो होता है कि जैसे ही नाक में जाती तो हम कहते हैं थोड़ा मुँह खोल के बोलो, तो मुँह खोल के बोलेंगे तो नाक में आवाज़ हट जाएगी। तो वो प्रोसेस क्या है, मुंह खोलने से कैसे चली गई आवाज़, क्योंकि वो जो जीभ है वो मुंह खोलने से जैसे आ किया तो अपने आप आपकी जीभ है वो भी नीचे गई ना, क्योंकि ये जॉ भी तो नीचे आया है आ आ, तो ये जैसे ही जॉ नीचे आया, ये जबड़ा नीचे आया जबड़े के साथ जीभ भी नीचे आई, और जीभ नीचे आई तो ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा है, और जैसे प्रेशर नहीं पड़ रहा है अपने आप नासिका की आवाज़ चली गई। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है आपकी। अब ये साफ है लेकिन इसी में अंग अब ये जबान जो है मेरी ऊपर प्रेशर आ रही है, ठीक है। तो ये आपको मैंने ट्रिक समझाई कि कैसे वो नासिका की अनवांटेड साउंड आपको हटानी है। अब आ जाते हैं नासिका की इंपॉर्टेंस पे। ये तो बड़ी छोटी सी बात थी, तो मैंने कहा इसके साथ दो बातें और जोड़ दूं कि नासिका के अगर यूज करना हो अगर तो किस तरह से किया जाता है। जब तीव्र म या शुद्ध नी लगता है तब थोड़ी थोड़ी नासिका इस्तेमाल होती है। ये मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जब तीव्र मध्यम लगाना हो तो हल्की सी नासिका लगे। अब ये जब नासिका लगाई तो आपने वो जबान प्रेशर नहीं की, ये तो प्रॉपर ना की था, ना बंद नहीं किया उसे, मा मा मा। फिर भी अगर आप देखेंगे मा मा बोलते समय मा, तब आपकी जो जबान है वो हल्की सी ऊपर है, मा हमारी माता, मा 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 मा, ये देखिए मा मा, इसमें जबान एकदम नीचे है, मा इसमें कोई नासिका नहीं, लेकिन मा 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 मा, इसमें जबान देखिए ऊपर नीचे है, फ्लैट है, मा, लेकिन तीव्र मा मा। बहुत बारीकी से विजुलाइज करेंगे ना अगर आंख बंद करके अपने मुंह को अंदर की इमेज को, तो वो आपकी जबान जो है वो ऊपर प्रेशर दे रही है। ये है तीव्र मा लगाने का तरीका कि वो साफ लगेगा, भले फिर वो तानपुरे पर सा सा रे ग मा मा सा रे ग मा मा, तो मा तीव्र मा लगेगा तानपुरे पर। अगर आपको रियाज करना और तीव्र मा नहीं लग रहा हो तो मा हल्की सी जबान को ऊपर प्रेशर दीजिएगा, मा तो लग जाएगा, और शुद्ध मा 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 साफ हो जाएगा, अपने आप ही उसका वो हट गया, जबान का प्रेशर जो है ऊपर दे रहे थे वो हट गया। और यही होता है शुद्ध नी के साथ, नी मा नी मा, तो ये हल्के हल्के मैदानी मा नी मा नी, ये हल्के से नाक से लगते हैं। तो तीव्र मा और शुद्ध नी लगाने के लिए आपको हल्की नेजल की इस्तेमाल होती है, और कोमल नी में कम लगता है, गी नी। ये बड़ा ताज्जुब है कि कोमल है लेकिन उसको आपको तीखा नहीं लगाना, लेकिन जो शुद्ध है उसको तीखा लगाना है ना। खैर ये इसीलिए भी है क्योंकि आप अगर पुराने शास्त्र पढ़ेंगे तो शुद्ध स्वरों को तीवर भी बोला गया है, तीवर सुर बोला जाता था, क्योंकि कोमल से तो तीखे ही है ना, ऊपर ही तो हैं, इसीलिए कई जगह आपको बोलेंगे कि तीव्र ऋखभ, तीवर ऋखभ, तो ऋखभ यानी ऋषभ, और तीवर ऋखभ यानी कोमल रे से जो तीखा है, जो ऊंचा है, जो ऊपर है, तो वो शुद्ध ऋषभ को ही तीवर ऋखभ कहते हैं, या तीवर धैवत है, या तीव्र नी। तीव्र नी क्या हो गया, शुद्ध नी, वही क्योंकि कोमल से तो चढ़ा हुआ है ना, तो ये है। और नासिका का इस्तेमाल एक छोटी जगह और होता है जो मेरे दादा गुरुजी ने मुझे समझाया था कि जब भी नासिका के अक्षर आते हैं तो उन्हें खुले मुंह से नहीं बोलते हैं। जैसे अंगूर अगर आ गया तो अंगूर अगर मैं गाऊंगा, है ना, अब मुझे पता नहीं अंगूर ही क्यों ध्यान आया, और भी कुछ शब्द ध्यान आ सकता था मगर अब शायद भूख लगी होगी, तो अंगूर ध्यान आया है, अंगूर, तो अंगूर ये सही तरीका नहीं है कि अंगूर, तो ये इतना लंबा नहीं होता है, अंगूर बंद मुंह से बोलना उसे, और ये मुश्किल पड़ता है, लेकिन यही सही तरीका है कि नासिका के जहां जहां अक्षर या शब्द आएंगे उन्हें बंद मुंह से बोलना है, अंगूर, तो अंग। अब इसको उमूमन लोग बोलते हैं, कैसे बोलते हैं,
क्योंकि बड़ा मुंह खोलेंगे तो इजीली वो हरकत निकलेगी, बंद मुंह करने पे वो हरकत नहीं निकलती है, लेकिन बंद मुंह से ही करनी होती है। अभी कितना मुश्किल है मेरी वो जबान से, मैंने पूरा तो गला तो चोक कर दिया मैंने, लेकिन फिर भी वो बोलना पड़ रहा है। ये पूरा नासिका से बोला मैंने। अगर आप देख पा रहे हो, आई डोंट नो मुंह देख रहा है कि नहीं मेरा, लेकिन मैंने जबान ऊपर प्रेशर दे रखी है। आप भी ट्राई करिएगा ये। आप देख रहे हैं मेरा मुंह ऊपर नीचे हो रहा है, स्टिल वो साउंड नहीं बदल रहा है मेरा, कोई वॉवल नहीं आ रहा है। मैं खुद भी पहली बार कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ। ये है नेजल वॉइस, ये है नेजल साउंड। तो अगर ऐसा कोई शब्द आता है जहां नासिका जैसे अंगूरी, अब ध्यान आ रहा है मेरे को, तो अभी इसी पे गाएंगे अपन। अंगूर, तो ये हो गया ना कि अंगूर, ऐसे नहीं बोलना होता, अंगूर या फिर अंगूर। तो जहां भी नेजल ऐसा अक्षर आ जाए जिसके आगे एक ऐसा अक्षर है जो बंद है, क्लोज कर रहा है उसे, तो यहाँ ऐसा इस्तेमाल होता है। बाकी आँख, आँख शब्द हम जब अक्सर गाते हैं तो हम गलत बोल देते हैं, आँख बोल देते हैं। जैसे हम वो गीत बड़ा मशहूर है ना, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, तो अब यहाँ अक्सर लोग गुलाबी आँखें जो तेरी देखी ऐसे गाते हैं, जबकि गुलाबी आँखें आँखें खें, क्योंकि प्लूरल है आँख, सिंगुलर है एक वचन है आँखें, ये प्लूरल हो गया, लेकिन जो तेरी देखी खी, यहाँ भी नासिका लगती है ना। तो ये थोड़ा सा लिटरेचर का भी नॉलेज होना चाहिए आपको कि कौन सा शब्द है, उसका क्या उच्चारण है, उसकी क्या मात्रा है, ठीक है। तो ये नासिका के उपयोग हैं, और जहाँ क्लोज नासिका वाले अक्षर आएंगे जैसे कि अंगूर आया या और भी कोई आएगा, वहाँ पर बंद किया जाता है मुँह को। मुँह बंद नहीं करना है, नाक पे ऊपर प्रेशर देना है जीभ से, है ना, वो जो पैलेट है आपका तालव्य, तालु भाग जहाँ खत्म होता है, जहाँ सॉफ्ट सॉफ्ट पोर्शन है आपका, है ना, अगर मैं एकदम ही लेमैन टर्म्स में एकदम सिंपल जबान में समझाऊँ डिस्क्रिप्शन देके, तो वो है। तो ये सही तरीका नहीं है, कुछ लोग अपनाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत कर रहे हैं, लेकिन ये एक ट्रिक मुझे मेरे दादा गुरु जी ने सिखाई, तो मैंने सोचा आपको भी बता दें कि ये ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे उच्चारण साफ हो जाता है। अंगूर, तो अब नॉर्मल बोलोगे तो अंगूर थोड़ी बोलते हो कि एक अंगूर देना, है ना, आप अंगूर ही बोलते हो ना कि अंगूर देना, तो अपने आप वो मुंह बंद होता है वहां पे, अंग अंग ज़बान का प्रेशर पड़ता है, तो वो आना चाहिए अंगूर, ना कि अंगूर। ये तो मैंने एक वॉवल्स का वीडियो दिया था, उसमें भी समझाया था कि जो क्लोज एंडेड वर्ड्स हैं या जो रिस्व स्वर हैं उनको ज़्यादा नहीं खींचा जाता, दीर्घ को खींचा जाता है। जैसे अगर मुझे अंगूर गाना है तो अंगूर, न कि अंगूर, र को नहीं खींचूंगा मैं गू जो अक्षर है उसे खींचूंगा क्योंकि उसकी मात्रा लंबी है, तो दीर्घ वाले अक्षरों को खींचा जा सकता है, जैसे आम। मैंने फिर आम ले लिया, मुझे कुछ तो भूख तो लगी रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आम मैंने ले लिया है, है ना, लेकिन मैं म को नहीं खींचा, आम ये खींचा, जैसे कि निशाद, न कि निशाद, द को नहीं खींचते हैं, अ को नहीं खींचते हैं, आ को खींचते हैं, लंबी ई को, बड़ा ऊ को खींचते हैं, ये भी एक टॉपिक है, एक पॉइंट है। अंग का मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, नासिका की आवाज़ दूर करने के लिए जब आप सारे गमा पधनी सा, सा, तो बिना जबान को नीचे फ्लैट रखे, ठीक है, और 12 खड़ी का अगर आप रियाज करते हैं तो अंग
ना कि आ, आ नहीं करना है, अंग इस तरह से रहता है। ठीक है, आई होप आपके ही समझ आए हो। थोड़ा सा वियर्ड टॉपिक भी था ये, लेकिन आई होप कुछ हेल्प हो गई हो। कुछ लोगों को होता है ये प्रॉब्लम, होता है नहीं आता है समझ में, इसीलिए छोटी से छोटी बात पे भी मैं बात करता हूँ और खोई से खोई बात पे भी मैं बात करता हूँ। यानी ऐसी कोई सूक्ष्म बात जिस पे किसी का ध्यान ना गया हो, या ऐसी सूक्ष्म बात जिस पे कोई ध्यान देता ना हो, है ना, कि अरे इस पे क्या ध्यान देना, मैं उस पे भी ध्यान देने की कोशिश करता हूँ, और अरे यार इस पे तो ध्यान गया ही नहीं, इस पर भी मैं ध्यान देने की कोशिश करता हूँ। तो दोनों सूक्ष्म बातें जिन पे ना ध्यान गया हो ना ध्यान देते हो, उस पर हम ध्यान देते हैं, क्योंकि यही हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है, यही संगीत प्रवाह वर्ल्ड यूनिक संगीत धारा का मकसद है। बहुत शुक्रिया।